देखिए ये धरना 70 दिन से चल रहा है। बुरा ये है कि ये किसी गांव में नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रहा है और इस राजधानी में तमाम तरह के सब दल भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं। यानी कि अगर किसी को एक बात को यहाँ से कहेगा तो वो राजभवन भी पहुँच जाएगी और मुख्यमंत्री आवास भी पहुँच जाएगी। लेकिन बुरा ये है कि अब तक सुध नहीं ली गई है, झूठे वादे तो हुए हैं और जब ये अपनी बात कहने के लिए जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो लाठी बजाते हैं। मुझे परसों तकलीफ हुई कि जब हमारी बहनें इस आंदोलन की बात को लेके जो है ना अपनी मांग को लेके बीजेपी कार्यालय गई थी तो उनके साथ मारपीट की गई, भाइयों को पीटा गया, वो चिल्ला रहे थे। अब मेरी राजनीति यही है, मैंने उनसे पहले भी कहा था कि जब किसी दुख तकलीफ होगी तो मैं खड़ा रहूँगा। आज मैं यहाँ हूँ और मैं तब तक यहाँ रहूँगा जब तक मुख्यमंत्री इसमें न्याय नहीं करते। और मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि अब यहाँ से मेरी लाश तो जा सकती है लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये भी जान लें कि बहुत हो गया, अब मैं देखना चाहता हूँ अगर इनको लाठी लगेगी तो सबसे पहले मुझे लगेगी और मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री लाठी नहीं गोली चला लें लेकिन आप दलित पिछड़े अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे। ये समाज का युवा वर्ग है, रीढ़ है समाज की, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों इनको क्रिमिनल बना रहे हो? ये जो लाठियां मार रहे हो, मुकदमे कर रहे हो झूठे, अरे जो नौजवान लीड कर रहे हैं उनको मुकदमे कर दिए, ये प्रदेश देख रहा है, जनता जवाब देगी। और मैं साफ तौर पर मुख्यमंत्री को बता रहा हूँ कि जाऊँगा नहीं और अगर ज़्यादा जाति करोगे तो पूरे प्रदेश देश में रहने वाले कार्यकर्ता कहूँगा कि सड़कों पर बैठ जाएँ। लेकिन अब आंदोलन यहीं से चलेगा, मुख्यमंत्री न्याय दें और मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं तो योगी न्याय नहीं देगा तो कौन देगा? ये तो पिछड़ा वर्ग आयोग हमने थोड़े बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया, उसकी रिपोर्ट नहीं मान रहे हो तो किसकी मानोगे? ये तो आपके लोग हैं। मैं समझता हूँ कि मोहरों का खेल ख़त्म हो गया, अगर वो मोहरे हमारे अपने होते तो चाहे वो मंत्री होते, संतरी होते या विधायक एमपी होते, हमारी आवाज़ उठाते और मुख्यमंत्री से हमारे लिए लड़ते, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा है। मैं अपनी बहन भाइयों के साथ हूँ और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा मेरा ये आंदोलन जो है ना जार रहेगा। और मैं ये भी बता दूँ कि हम तो इंतज़ार करेंगे कि सोती हुई सरकार कब जागेगी, कब बहरी सरकार घूंगी सरकार जो बोलेगी, नहीं बोलेगी तो हमें बुलवाना आता है। इस आंदोलन से तो अंग्रेज भाग गए थे, इनकी तो हस्ती क्या है। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री न्याय दें और जब तक न्याय नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। मेरा मैं इन योद्धाओं को भी सलाम करता हूँ जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए 70 दिन से यहाँ बैठे हैं, बारिश में भूखे पेट गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, इनके कपड़े फाड़ दिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हमारी बहनें बैठी हैं वो घरों पर परेशान हैं, ससुराल के लोग परेशान हैं, परिवार के लोग परेशान हैं। लेकिन ऐसी वीरांगनाओं को सलाम करता हूँ, उनको जो है ना नमन करता हूँ कि उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि जब बहनें उतर